So welcome, sir, on the show. Today we have one of the mastermind in the Indian mutual fund industry. जिनको देख के मैंने ये काम सीखा या ये काम किया है. I welcome on the show Mr. Sunil Subramanian sir, the CEO of Sundaram Mutual Fund, and shortly he is acquiring the principal mutual fund also. So certainly he is the man who is the man of master, the man of data, the man of aggression, the man of, you know, like so many things to be very precise. So without wasting his time, let's start with this show of Meet Your Fund Manager. Welcome sir on the show. Thank you. Namaskar to everybody. Thank you, sir. Sir, आपने एक नया सीरीज चालू किया है. What is it? EMI. So पूरा डायनामिक्स बदल के रख दिया आपने. So please throw some light on today's E that stands for the economy, health, and your microscopic view on down the line next 3 year or 5 year time horizon. What is the key challenges in the economy? What do you feel like? So according to me, Indian economy is on a very good wicket. First, let me clarify that view, okay? Because क्या हुआ था कि see, right from December 2017, our economy was on a slowdown. बराबर. Okay, what started it off was basically that there was a negative inflation in rural India. जी. तो farmer के पास पैसा नहीं था because you know there was a dumping of all vegetables and crops and everything. So that rural demand got affected. And then all companies depending on the rural demand got affected. NBFCs got affected who are giving loans in that area. And IL&FS crisis, DHFL crisis came one after another. So December 17 se ek slowdown aa gaya tha economy. And around the end of 19, there was a signs that ki abhi kuch ka thoda sudhar aa raha hai. We were just coming out of that. Jab ye COVID aake, ekdam se dhamaka de, khada ho gaya. But actually speaking, COVID actually has done a lot of good for India. So medically आप छोड़िए कि इतने लोग की देहांत हो गई, कितने लोग हॉस्पिटल में रहे, medically health की बात छोड़िए, but economy में क्या हुआ कि जब एक दिक्कत आती है तभी कठिन decisions लेते हैं लोग. Right. तो ये चीज हुआ कि मोदी जी की सरकार ने जो किया उस टाइम में उसने reforms को घुसा दिया. जी. जैसे FDI को ओपन कर दिया, इनकम टैक्स तो एकदम कटवा दिया फॉरेनर्स के लिए, और फिर उन्होंने जो फॉर्मलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन का जो एक धक्का दिया, जीएसटी को पूरी तरह इंप्लीमेंट हुआ. तो उसमें से क्या हुआ कि दो देयर इज अ शॉर्ट टर्म इंपैक्ट कि लॉकडाउन के समय में अपना डिमांड गिर गया, लोग पिक्चर विक्चर देखने जाते नहीं जाते थे, खर्चा नहीं कर रहे थे, तो सेविंग्स पोटेंशियल वेंट अप. तो फर्स्ट गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी इज दैट माइग्रेंट लेबर और जो बॉटम ऑफ द पिरामिड को छोड़ दिए, वहां पे तो दिक्कतें हुई क्योंकि मुंबई से उनको अपना छोटे शहर वापस जाना पड़ा, मगर बड़े शहरों में एक्चुअली किसी की नौकरी नहीं चली गई. ऑन द कॉन्ट्ररी, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव हुआ, उसको एंटरटेनमेंट कॉस्ट सेव हुआ, और तनख्वाह किसी ने कटवाई नहीं. तो ओवरऑल कंज्यूमर सरप्लस जो है इकोनॉमी के मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में वो बढ़ गया. एक चीज वो कोविड के कारण एक पॉजिटिव. दूसरा चीज ये हुआ कि रिफॉर्म्स को घुसा दिया गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी तरीके से. सेकंड, तीसरा चीज जो कहते हैं ना सात खून माफ, यानी ऐसी दिक्कत के सिचुएशन में फॉरेन में जो अपने जो रेटिंग एजेंसीज होते हैं, मूडीज लीजिए, स्टैंडर्ड, जब दिक्कत वाली सिचुएशन है, जब अमेरिका की फिस्कल डेफिसिट 20% पे चल रही है, तो इंडिया के बारे में अपने 3% से 6% फिस्कल डेफिसिट छोड़ दो. तो नॉर्मल सिचुएशन में अगर 3 से 6 कराते हैं तो इमीडिएटली इंडिया को डाउनग्रेड कर लेते. सही बात है. क्या होता है कि दिक्कत में सब लोग देखते कि अरे इस दिक्कत में तो हमें तो सपोर्ट करना चाहिए सभी को. तो इंडिया अपनी फिस्कल डेफिसिट को एक्सपेंड करके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा बूस्ट दे दिया, और मोदी जी ने वो 1 लाख करोड़ वो 111 लाख करोड़ का नो इंफ्रास्ट्रक्चर. तो क्या कह रहा हूँ कि ऐसी कठिनाई में आप कैसे अप्रोच करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट. यही मैं मोदी जी को सलाम दूंगा कि उन्होंने इस पीस में फार्मर का भी रिफॉर्म किया, बट अफसोस है कि वो बिकॉज ऑफ द फार्मर एजिटेशन इट कुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड. पर सोच उनकी सही थी कि इंडिया को जीडीपी को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे एक्सपेंड करें. तो ये अकाउंट्स गॉट ओपन, सो मनी फ्लो इनटू द स्टॉक मार्केट हैज आल्सो गॉन अप. सो एक तरफ स्टॉक मार्केट में एफपीआई तो पैसा डाल रहे थे, मगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी डायरेक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था. तो ये भी एक अच्छी चीज हुई क्योंकि पैसा हाथ में था,
वक्त भी हाथ में था क्योंकि काम तो घर से कर रहे हैं, ट्रैवल टाइम ये सब से हो गया, तो लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स डायरेक्ट इक्विटी में घुस के अपने स्टॉक मार्केट को भी सपोर्ट दे दिया। तो ओवरऑल में समझो कि कोविड जैसा एक हादसा, व्हाइल इट हैज अ नेगेटिव मेडिकल इंपैक्ट, ओवरऑल इकोनॉमिक और ऐसे वेलबींग ऑफ द देश के लिए एक अच्छी चीज थी। और जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है इस टाइम में, इसमें और एक चीज जो हमारे हाथ दे रही थी वो मैं कहूंगा कि स्ट्रक्चरल चीज, यू नो नॉर्मली सब इकोनॉमी साइक्लिकली जाती है, बट स्ट्रक्चरली जो चेंज होता है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो इसमें दो स्ट्रक्चरल चीज जो इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव रही, एक इंडिया के अंदर एक इंडिया के बाहर, राइट। और सेम चीज है वो, क्या चीज है वो, नंबर ऑफ यंग पीपल, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड कितने, क्योंकि चीन में क्या हुआ, उन्हें बरसों पहले एक वन फैमिली वन चाइल्ड वाला पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, right. तो उसका असर 2017 में उनको दिखा। 2017 से चीन का वर्किंग एज पॉपुलेशन हर साल गिर रहा है, राइट, क्योंकि फ्रेश प्रोडक्शन नहीं है बेबीज का। वेरस इंडिया में ऐसी कोई अपना जो कहते ना नसबंदी नसरबंदी वो वाली नहीं है। तो इंडिया का क्या है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन 2050 उस साल तक इट इज गोइंग टू गो ऑन इंक्रीजिंग। तो ये एडवांटेज जो हमारे पास है कि हमारे यूथ बढ़ रहे हैं, यानी वर्किंग कैपेसिटी, और आप देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम चीन का 10,000 के करीब है जी, हमारा 2,000 के करीब है, यानी उनका इनकम 5 गुना ज्यादा है जी। तो समझिए कि उनकी वेजेस भी उतनी गुना ज्यादा होगी जी, बराबर। एक्चुअली रियल नंबर इज 3.5 times, चाइना लेबर और हमारे लेबर में 3.5 times का फासला है। तो एक आइडियल सिचुएशन बन गई कि क्योंकि कोविड चीन में शुरू हुआ था, उनको बहुत नेगेटिव पीआर हुआ इसमें, बहुत लोग नाराज थे चीन के गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने सही तरह से इसको मैनेज नहीं किया। और दूसरी तरफ क्या हो गया कि वो देख रहे थे कि चीन में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो महंगा पड़ रहा है हमारे लिए। तो तब एक चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी शुरू हुआ ग्लोबल एमएनसीज में, जिन्होंने कहा कि ओवर डिपेंडिंग ऑन चाइना, जहां पे लेबर कम हो रहा है, वेजेस भी ज्यादा है, एट द सेम टाइम कोविड के सिचुएशन के कारण थोड़ा उनको नेगेटिव था, तो बहुत से एमएनसीज ने डिसीजन लिया कि हम चाइना के बाहर और एक मैन्युफैक्चरिंग का एक लोकेशन ढूंढेंगे। तो यहीं पे इंडिया के पास लेबर का एडवांटेज है, लेबर कॉस्ट का भी एडवांटेज है। क्या है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की जरूरत थी, हमारे टैक्स रेट को इंप्रूव करने की जरूरत थी, हमारे हर स्टेट में अलग अलग टैक्स रखना। सो ये सब चीज पे जो बॉडी के गवर्नमेंट ने ध्यान दिया ना, उसका फल हमें आने वाले दिन में मिलेगा। और उसका लेटेस्ट चीज जो था वो पीएलआई स्कीम, जहां पे उन्होंने डायरेक्टली टारगेट किया कि चीन में कहां पे मार्केट शेयर है मैन्युफैक्चरिंग का, उस स्कीम में हम 5-6% इंसेंटिव दे देंगे मैन्युफैक्चरर को। तो आज देखिए मोबाइल फोन इंडस्ट्री इफेक्टिवली इंडिया को शिफ्ट हो गया, राइट, सैमसंग एप्पल सब अब इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये सब चीज के कारण मेरे लिए कोविड एक्चुअली एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज बन गया है इकोनॉमी के लिए। और आने वाले 3-5 साल में ये सब जो इंप्लीमेंट में टाइम लगता है, देखो एफडीआई आना है, एफडीआई तो आ रहा है, $80 बिलियन रिकॉर्ड है आया, और 80 नहीं हमें $300-400 बिलियन की एफडीआई की जरूरत है, तो आ जाएगा। बट क्या है कि पहले रिफॉर्म्स, रोड्स, रेलवेज, रिवर, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये सब हमें ठीक करना चाहिए, क्योंकि फॉरेनर अगर इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करता है तो कारखाना कहाँ पे लगाएगा, जहां पे रॉ मटेरियल है, मगर एक्सपोर्ट करना है पोर्ट से, तो फ्रॉम द फैक्ट्री टू द पोर्ट इतना आसान आप बना सकते हो हाईवे को, जहां पे वो जल्द से जल्द, उसको टाइम नहीं वेस्ट करना है टू री एक्सपोर्ट इट। तो ब्यूटी यहाँ पे है कि कोविड के कारण इंडिया में डिमांड अफेक्ट हो गया लॉकडाउन के कारण, मगर ये जो पीएलआई स्कीम और ये डेवलपमेंट जो हो रहा है ये हमारे डिमांड को के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये वर्ल्ड डिमांड के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। तो इस चीज में मेरे को भविष्य में इंडियन एक्सपोर्ट्स को जबरदस्त बढ़ते हुए मैं देख रहा हूँ, राइट, और इसको फाइनेंस करने वाले भी फॉरेनर्स होंगे, या तो टू FDI होंगे या FPI होंगे, और इसका बेनिफिट इंडियन कंट्री को कंजम्पशन के थ्रू मिलेगा, क्योंकि इतनी सारी नौकरियां जो क्रिएट होगी तो वो खर्चा तो हमारे डोमेस्टिक में करेंगे। तो मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर और कंजम्पशन दोनों का
हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ दिख रहा है। तो यही मेरी सिचुएशन इकोनॉमी पर मेरी यही है कि जो भी आजकल में करेक्शन आए आप उसको एक बाय ऑन डिप्स समझ के खरीदारी कीजिए, ये आपको फ्यूचर में बहुत फायदेमंद होगा। इंडियन इकोनॉमी पे आप भरोसा रखिए, उस भरोसा को छोड़िए मत। सो ग्रेट सो ग्रेट सर, आपने इकोनॉमी तो बता दी, बट एक क्वेश्चन जो आप मतलब जहां भी जाते हैं, और आई बिलीव एवरी फंड मैनेजर और एवरी सीईओ विल नॉट गोइंग टू लीव असाइड दिस क्वेश्चन कि बाजार आपको क्या लगता है, आज का बाजार महंगा है सस्ता है, एम आपका क्या बोलता है? देखिए बाजार के मरबे में बाजार को दो तरीके से स्प्लिट करूंगा जी, एक है एफपीआई वाला बाजार जी और एक है डोमेस्टिक वाला बाजार। मैं क्यों ये शिफ्ट कर रहा हूँ ना, ये बाजार के बढ़त के पीछे एफपीआई का हाथ रहा है, बहुत बड़ा हाथ। अग्री। क्योंकि जब से ये कोविड की हादसा शुरू हुई और सभी देशों ने अपने नोट छाप के प्रोग्राम शुरू कर दिया, वो नोट छाप उनके लिए तो अपने अपने देश को बढ़ाने के लिए उन्होंने किया, मगर हेज फंड जो है उनको क्या लगता है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे देश बढ़त में या वहां पे, तो उन्होंने पैसा इंडिया जैसे देश में लगाया तो क्योंकि उधर सस्ते में इंटरेस्ट था और नोट छाप भी प्रोग्राम करण लिक्विडिटी भयंकर थी। और क्यों उन्होंने इंडिया को प्रेफर किया, क्योंकि डाउन ट्रेंड जो रिसेशन होता है इकोनॉमी में तब कमोडिटी प्राइसेस गिरते हैं और इंडिया एक कमोडिटी इंपोर्टिंग कंट्री है, तो नेचुरली उनको ये लगा कि इंडिया को इंडियन इकोनॉमी को ये डाउन ट्रेंड का कमोडिटी इंपोर्ट कॉस्ट का फायदा मिलेगा, तो इंडिया में अच्छा मिलेगा। और सेकेंड चीज क्या होता है, जब पैसा अमेरिका से बाहर निकलता है तो क्या होता है कि डॉलर के ऊपर सप्लाई ज्यादा होता है डिमांड कम होता है, तो क्या होता है कि करेंसी में डॉलर वीक होता है और इमर्जिंग कंट्री स्ट्रांग होते हैं जैसे इंडिया की करेंसी, तो उनको दुगना दाम दिखा, दुगना प्रॉफिट दिखा कि एक तरफ इंडियन इकोनॉमी में इंपोर्ट का प्राइस ड्रॉप का एक बेनिफिट और दूसरा करेंसी के करेंसी इंडिया के बेनिफिट, तो इसलिए एफपीआई पैसे भयंकर आया और मार्केट को ऊपर लेके गए। तो अब क्या है कि मार्केट को मैं दो तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि एफपीआई वाला पैसा कहाँ जाता है, दो 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 तरह से मैं उसको बताऊंगा। एक वो लार्ज और लार्ज मिड कैप सेगमेंट में जाता है जी। दूसरी चीज वो सेफ्टी ओरिएंटेड सेगमेंट में जाता है। अभी सेफ्टी का अर्थ क्या है, सेफ्टी का अर्थ नहीं कि घर में घुसो और सभी दरवाजे बंद करो, नो, सेफ्टी का अर्थ मार्केट के हिसाब से होता है जहां प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स होती है जी। जैसे आईटी सेक्टर, जैसे एफएमसीजी सेक्टर, जहां पे आपको दिखता है कि ये 5-10% की ग्रोथ दिखे, कुछ भी हालत हो वो उसमें सेफ्टी है उसको। तो ज्यादातर आपने देखा एफपीआई पैसा कहां गया, लार्ज कैप के अंदर एफएमसीजी सेक्टर, आईटी सेक्टर, वहां पे उतरा था। मगर जब डोमेस्टिक लिक्विडिटी इंडिया में चालू हुई, मैंने अभी बताया कि सभी के पास कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया और खर्चा करने का मौका भी नहीं था, और इंफॉर्मेशन एज है तो कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को एक कंप्यूटर में जाओ, गूगल में देखो, फटाफट सब रिटर्न्स दिखते हैं, तो वो सेल्फ इन्वेस्टिंग करने लगा। तो ये लिक्विडिटी फ्लो जो पार्टली थ्रू म्यूचुअल फंड, आपने देखा एसआईपी भी बहुत मजबूत हो गई है, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट, कुछ लोग एफआईएस को चेस करते हैं वो मानना पड़ेगा राइट, मगर कुछ लोग जैसे फंड मैनेजर लोग या ज्यादातर लोग डोमेस्टिक इकोनॉमी को चेस करते हैं जी। और डोमेस्टिक इकोनॉमी में कहां पे फोकस होता है, नॉट इन सेफ्टी बट इन हाई ग्रोथ और इन साइक्लिकल, जहां पे कोविड के कारण डिप हो गया उसके बाद जो राइज होगा उसके ऊपर बेट करते हैं। तो मेरा एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैंने कुछ दिनों पहले चैनल में कहा था कि द हाईएस्ट रिस्क इज इन सेफ्टी एंड द हाईएस्ट सेफ्टी इज इन साइक्लिकल्स। तो मार्केट की हालत आपने पूछा उस पर आता हूं मैं कि वैल्यूएशन क्या लग रहा है, मेरे को एक्चुअली लार्ज कैप में थोड़ा दिक्कत है वैल्यूएशन में, क्योंकि ये टेपरिंग, इंटरेस्ट रेट हाई, ये वाले जो न्यूज आते हैं, रूमर्स आते हैं या नॉइस आते हैं या एक्चुअल डिसीजन आता है, तो एफपीआई को ही ये झंझट। और क्यों बताऊं मैं, कि इसमें दो कारण होते हैं, एक तो टेपरिंग से लिक्विडिटी कम होता है तो कुछ पैसा तो निकलना ही है, मगर दूसरी चीज है कि कोविड का असर टेम्पररी है नॉट ओनली इन इंडिया बट बाकी देशों में भी, क्योंकि मेडिकल वर्ल्ड इंप्रूवमेंट कर रही है और करेक्ट कर रही है। तो जब अमेरिकन इकोनॉमी या चाइनीज इकोनॉमी ग्रोथ की वापसी दिखाएंगे तो कमोडिटी प्राइसेस वापस बढ़ने लगेंगे, बराबर आपने देखा। तो क्या होता है कि जब कमोडिटी बढ़ता है तो इंडिया इज नो लॉन्गर अट्रैक्टिव,
क्योंकि हायर कमोडिटी प्राइस इंडियन इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, इंडियन इकोनॉमी को असर पड़ता है उसके ऊपर. वेयर एज एफपीआईज के लिए ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका जो कमोडिटी एक्सपोर्टिंग कंट्री है वहां पे उनको फायदा ज्यादा दिखता है, तो वो भी रीएलोकेट करेंगे जो भी पैसा है. तो हमें डबल इंपैक्ट लगेगा अगर यूएस इकोनॉमी की ग्रोथ जल्दी वापस आए तो नेचुरली उधर डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी तो उधर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उधर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट फेड को हाई करना पड़ेगा और फिर उसको लिक्विडिटी भी कम करवाना पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन को उसको भी कंट्रोल करना है. तो ये सब चीज मिला के क्या होगा कि एफपीआईज भी सोचेंगे कि अभी मेरे को पैसा कहां पे लगाना है. बट एक एक तरह का एफपीआई कंटिन्यूअसली पैसा निवेश करता रहेगा वो है पेंशन फंड, जिनका आउटलुक अगले 12, 18 महीने, 30 महीने तक नहीं है, जिनका 10 साल से ऊपर का एक आउटलुक है, उनको तो जो मैं इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल स्टोरी बताया उसमें उनको कॉन्फिडेंस है. सो एफपीआई प्लस में शॉर्ट टर्म फंड्स थोड़ा वॉलेटाइल हो सकते हैं बट लॉन्गर टर्म फंड्स जारी रहेंगे. तो लार्ज कैप में मेरे को थोड़ी वॉलेटिलिटी दिख रही है बट एट द सेम टाइम मिड और स्मॉल कैप में क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की डेटा और साइक्लिकल्स में क्या होता है ना, जब गिरावट होती है तो भयंकर होती है, अगर बढ़त होती है तो वो भी भयंकर होती है. तो ऐसी हालत में एक्चुअली साइक्लिकल्स में देखिए तो वैल्यूएशन मेरे को रीजनेबल लग रहा है क्योंकि जो अर्निंग्स प्रेडिक्शन उनके हिसाब से वो आज दाम जो दिख रही है उससे ज्यादा बेहतर अर्निंग्स एक्चुअल निकलेगी बिकॉज साइक्लिकलिटी का वही है खास चीज. Great. कि तो मैं इसको सिंपल कहूंगा कि मार्केट की थिंकिंग ऑलवेज लीनियर होती है. Right. यानी अगर 12 हुआ फिर 10 हुआ तो अगले साल कहेंगे कि 8 होगा. Right? अगर 8 हुआ 10 हुआ फिर कहेंगे कि अगले साल 12 होगा. तो जो 8 में खरीदारी करता है उसको सबसे ज्यादा मल्टीप्लायर फायदा मिलता है. वैल्यूएशन मैं कहूंगा कि मार्केट के बारे में फ्लेक्सी कैप अप्रोच रहना चाहिए. राइट. क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं और इसके अंदर शिफ्टिंग की जरूरत है. तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप ऐसी कैटेगरीज में मेरे को वैल्यूएशंस रीजनेबल लग रहे हैं क्योंकि ब्लेंडेड एवरेज है. राइट. और अगर थोड़ा आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा कम है यानी आप उतना वॉलिटिलिटी नहीं झेलना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा कि बैलेंस एडवांटेज फंड एक बहुत बढ़िया है और भी रिस्क कवर्स है. तो मैं कहूंगा इक्विटी सेविंग्स फंड जो एक फिक्स्ड एलोकेशन होता है मतलब इक्विटी टैक्सेशन मिलता है, ये सब कैटेगरीज में आप निवेश कर सकते हैं अगर आपको वॉलेटिलिटी से बहुत डरावट है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा जो है वो आई के ऊपर है. तो और आई जो है दैट इज अगेन स्टैंड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट. सो बहुत सारा एफडी का पैसा अर्बन में तो आ रहा है, रूरल में अभी भी एफडी का पैसा नहीं आ रहा बिकॉज अभी तक वो रूरल में प्रोडक्ट पहुंचा नहीं है. फिर बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं कि एमएफ में अभी भी एफडी का पैसा आने का बाकी है. तो मेरे दो रीजन जो है वो बहुत बड़ा एफडी का रूरल का पैसा, पीपीएफ ऑलरेडी अपना पैसा डालने का मन तो ऑलरेडी बना लिया है, कुछ और स्टे जो लिमिट था उसको बढ़ा भी रहे. तो इतना सारा पैसा जब अगर इक्विटीज में आएगा तो सिर्फ वो वैल्यू मिलेगा क्या और इसका क्या वो ह्यूज, बिकॉज आप डेटा क्रंच नॉर्मली बहुत अच्छे से करते हैं तो उसका वो इम्पैक्ट क्या रहेगा एंड हाउ एक्चुअली द पीपल विल रियली वांट टू गेट द गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स व्हिच एक्चुअली दे जो लोगों को मिला है, इसका पूरा इम्पैक्ट एनालिसिस क्या बोलता है सर आपको, बिकॉज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में. या तो मैं कहूंगा कि एक्चुअली आप देखें तो इंडिया का इक्विटी पेनिट्रेशन अभी भी 12-13% में है जी. व्हेयरएज आप कंपेरेबल कंट्रीज लाइक कोरिया लीजिए वहां पे 36% है जी. सो मेरे को ये सेमी अर्बन और रूरल इंडिया में ना देखो एक एक चीज मैंने देखा कि जो डायरेक्ट इक्विटीज में आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में एक्चुअली वो ज्यादातर रूरल में से आ रहे हैं. अच्छा. पार्टली रीजन होगा कि बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम में अपने गांव चले गए और उधर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो भी एक रीजन होगा. मगर क्या है कि उधर भी अभी अवेयरनेस बढ़ रहा है क्योंकि एक तरफ बैंक के इंटरेस्ट रेट गिर गए उधर भी, पोस्ट ऑफिस का थोड़ा ज्यादा है उससे, बट फिर भी जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है उनको लगेगा कि अरे ये मेरे को नो इट्स नॉट एबल टू मीट माय इन्फ्लेशन. तब ये इक्विटी परफॉर्मेंस जिसने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिया है कोविड के बाद मार्च 2020 जरूर वो एक अट्रैक्टिव चीज होगा और ये मार्केटिंग का जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है. एमफी का प्रोग्राम जो म्यूचुअल फंड सही है इट हैज मेड अ बिग डिफरेंस क्योंकि आम लोगों को अभी म्यूचुअल फंड एक अच्छा शब्द बन गया है. मगर डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स का काम भी इधर बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली इंटरनेट पेनिट्रेशन, मोबाइल पेनिट्रेशन रूरल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है. तो आजकल आपको ये भी नहीं सोचना है कि क्या मैं नागपुर में बैठे हुए क्या मैं कलकत्ता में किसी से डील करूं, बिल्कुल. आज
डीआईटी प्लेटफॉर्म्स भी है जो आपको कर सकता है. तो मैं कहूंगा कि एक एग्रेसिव मार्केटिंग बाय द इंडस्ट्री की जरूरत है. जो एम्फी कर रही है वो एक तरफ अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, जैसे कि आप कहते हैं उसको एयर पावर, एयर स्ट्राइक, पर ग्राउंड फोर्स जो है वो एमएफडीज का है और एमएफडीज को ही जाके कस्टमर्स को एक्सप्लेन करके कन्वर्ट करना है. मगर मेरे को ये मार्केट शेयर 3 गुना बनना मेरे को आसान लग रहा है. दैट मींस एक्चुअली आवर इंडस्ट्री कैन गो एट 30-40% पर एनम. दैट इज व्हाट माय फीलिंग इज. माय गॉड. सो आय का जो सेकंड क्वेश्चन है, मतलब आपने पहला इन्वेस्टमेंट का तो इनसाइड दिया, बट सेकंड क्वेश्चन मेरा ये कि वेयर देन यू आर फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटी आइदर इन इंडिया और द ग्लोबल, बिकॉज इंडिया स्टिल द ओनली 3% अपॉर्चुनिटी, 97% अपॉर्चुनिटीज आर स्टिल आउटसाइड द इंडिया. सो योर आपका टेक इसके ऊपर. देखिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि बिकॉज ऑफ कोविड आज पूरे वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी है. सभी इकोनॉमीज को असर पड़ा, सभी में रिकवरी का बूम है. तो और मेरा ये भी एक चीज है कि इंडियन इकोनॉमी में करेंसी जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग अब तक दिखा रही है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है. अगर 10 साल फिर टाइम फ्रेम में मैं समझता हूँ कि डॉलर रुपी 100 पे होगा. That is my expectation. Because ultimately rule क्या है ना, fundamental law है कि जो interest rate का differential होता है उस हिसाब से, मैंने अपने webinars में भी बात किया है, इसको कहते हैं interest rate parity. यानी दो देश के करेंसी के बीच में जो गवर्नमेंट के borrowing rate होती है उसमें जो gap होता है ना, वो gap है जो higher interest rate country है उसका currency will weak by that much every year. Right. तो आज यूएस में क्या है 1.5% है, इंडिया में क्या है 5.5-6%. तो डिफरेंस कितना हुआ 4.5-5%. तो अगर सिंपल सी चीज रखी है, हर साल 4.5% माने 10 साल में 45%. आज 75 लीजिए, उसका 45% जोड़ दिए तो 100 भी कम लगेगा. अगर इस हालत में आपको इंडिया में बैठे हुए आप एक इंटरनेशनल फंड में अगर निवेश करते हो तो ये रुपी का वीकनिंग आपको सीधा एनएवी में अप्रिसिएशन देगा. तो आपको 4.5% एनएवी अप्रिसिएशन खाली करेंसी के कारण आता है. और अगर आपने डाइवर्सिफाइड इंटरनेशनल फंड को चुना तो वो क्या है कि एक देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना, तो वो 10-20 देश के ऊपर, तो जहां पे भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आती है उसके ऊपर वो फोकस कर सकती है. तो मेरे ख्याल में अब एक बहुत बढ़िया टाइम फ्रेम है कि इंडियन पॉपुलेशन को इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में थोड़ा बहुत हिस्सा, ज्यादा नहीं 10-15-20%, बट उधर भी आपको फायदा बिल्कुल मिल सकता है, बोथ फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दैट कंट्री, स्टॉक मार्केट ग्रोथ ऑफ दैट कंट्री एंड करेंसी डिप्रिसिएशन. ये 3 गुना आपको बेनिफिट मिल सकता है. सो ग्रेट, सो ग्रेट. सर देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ, हाउ यू मतलब सर हाउ वी नीड टू इनकल्केट दिस थॉट प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इन यूथ एंड देयर अपब्रिंगिंग इन फ्रॉम दिस लेवल. क्योंकि अभी भी जो जितना ये मॉब पूरा बाजार में आया है ना, ये ट्रेडिंग वाला मॉब आया, अपस्टॉक और वो जीरोडा और खट 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 शॉर्ट टर्म में पैसे बनाना है, लेकिन थोड़ा बाजार गिरता है तो फिर डरने लग जाते हैं. तो ये कॉन्फिडेंस लेवल हाउ टू बूस्ट इन देम फॉर लॉन्ग टर्म इंस्टेड ऑफ डीआईवाई एंड हाउ वी मस्ट रिलाय हु कैन गाइड एस एमएफडी टू बिल्ड देयर लॉन्ग टर्म कॉर्पस, बिकॉज इनको लॉन्ग टर्म का कॉर्पस वाला कोई थॉट प्रोसेस नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम का कोई मतलब पता नहीं व्यू ही नहीं है. तो ये एक आज के यू कैन से यूथ में एक चैलेंज है, इस चैलेंज को कैसे एड्रेस करना चाहिए, आपके व्यूज ऑन दिस. देखिए मेरा एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल व्यू है इसकी, आपको बैड न्यूज दिखा के ही गुड में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? क्योंकि आज माहौल बाय एंड लार्ज कोविड के बाद जिसने भी पैसा डाला उसको पैसा बना, तो आज वो डरावट नहीं है, डरावट नहीं, यस राइट. तो आइदर आप वेट कीजिए एक बड़ा करेक्शन का, जब वो डरट में तब आपको रेडी रहना चाहिए विद आवर मार्केटिंग पिच. दूसरा चीज ये है कि अगर आप मार्केट की हिस्ट्री को ले ले 15 साल में और दिखाए कि एक साल में कितना लॉस हो सकता है अगर ठीक नहीं हुआ, तो ये पार्ट आपको उनको पढ़ाना है कि भैया ये टाइम्स आर गुड करके नहीं, यही मार्केट में पिछले 15 साल में ऐसे मौके रहे. तो इसमें काम आता है रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस का. अगर आप रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस कीजिए, और आजकल बहुत वेबसाइट्स इसको आसानी से कर देते हैं, उसमें आपको पता लगेगा कि एक साल के अंदर व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस आई कैन फेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस
Oh, yes. Right? And whereas you go to 3 years, you will see that loss reducing. You go to 5 years, it will reduce. If you go to 7 years, it will be no probability of loss. One. Second चीज ये है कि बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप सिंपल सी चीज, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, सेंसेक्स लीजिए, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, ये तीनों को ब्लेंड करके बताइए, तो ब्लेंडेड विल ऑलवेज बी बेटर देन द इंडिविजुअल. राइट. सो दैट इज द सेकंड वे के बाद आप तो कितना 4-5 स्टॉक आप चुन रहे हो और उसका 3-4 गुना बढ़ गया, बाकी के स्टॉक के पोर्टफोलियो में जो लॉस हुआ उसके बारे में क्या सोच रहे हो आप? तो डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज भी आपको ये रोलिंग रिटर्न्स के थ्रू उनको सिखाना है. आसान नहीं है ये मानता हूँ, क्योंकि जब सब अच्छा चल रहा है तो किसी को ये सुनने की आदत नहीं होती है. अरे मैं भगवान हूँ, मेरे को बताइए कि ये स्टॉक वो, मगर मौका देखते ही जैसे करेक्शन आता है तब हमें उनको क्या होता है ना, कई एफएमडीज डर जाते हैं अपने कस्टमर से, जब करेक्शन होता है तो फोन को बंद कर देते हैं. तभी होती है जरूरत कि आप ज्यादा इंटरेक्ट करो अपने कस्टमर से या पोटेंशियल कस्टमर से. तो बैड टाइम में जितना आप रीच आउट करते हो वो आपको बिल्कुल वो कस्टमर का बॉन्डिंग जो है और कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बढ़ जाएगा. तो मेरा वो है कि एक कंसिस्टेंसी आप टच में रहो, जब मार्केट में गिरावट आती है तो भागे मत, फोन को स्विच ऑफ करिए मत, बी इन टच विद द कस्टमर, एक्सप्लेन हिम पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एडिक्वेट है हमारे पास दिखाने के लिए, जो भी चीज मैंने कहा उसको सही इस्तेमाल करके वी हैव टू बी परसिस्टेंट. तो कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट ये दोनों है मैं कहूंगा कि मंत्रा जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए. और ये नए जो रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स आए हुए हैं ना, तो वेट कीजिए, एक क्रैश के बाद वो सब अपने पूंछ को अपने पैर के बीच में लगा के तब मौका आएगा आपको कि जाके सिखाने के वैल्यू ऑफ कर रहे सर, वैल्यू ऑफ देखिए हमारी पोर्टफोलियो देखिए, ये चीज है. राइट. और इसमें बहुत बहुत पावरफुल चीज होता है कि एक एमएफडी अपना खुद का पैसा निवेश करके रखे, वो पोर्टफोलियो उसको दिखाना है. देखो भैया मैं बात करता हूँ, कस्टमर की बात छोड़ो, मेरा अपना पैसा जितना भी है, मैंने 10,000 रुपए या 1,000 रुपए में शुरू किया, उसका वैल्यू देखो, वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म वो आपको दिखाना है. स्किन इन द गेम कहते हैं ना, एमएफडी की तरफ से वो, तो आप अपना पैसा वो कन्विक्शन में दिखाइए, वो बेस्ट कन्विंसिंग फैक्टर होगा एक कस्टमर के लिए. परफेक्ट है, परफेक्ट है. Thank you. You are again the man of data venture. So, your data, what is your view on a Omicron new variant and your analysis of possible lockdown in India? Because a lot many people are speaking about lockdown again into India. So, what is your view on this? It's a very sincere, serious topic. See, it is a Omicron has divided the world in terms of their approach to it. Yeah. Okay. Yeah. Now, it is spreading the fastest in the England, in UK. Yeah. Okay. Now, there it is widespread and it's causing a lot of concern there. Yeah. But the scientist who discovered Omicron in South Africa, she was given an interview yesterday where she says that this may spread very widely and very fast, but it is very mild. That whether and vaccination doesn't make an impact. Okay. Whether you're vaccinated or not, this can come to you, but it is mild. Whether you're vaccinated or not, the effect is mild, and within 5 days, it gets over. Yeah. Now, from that point of view, UK is very, very concerned about it and is reacting to it. But you come like country like India, right? Mm-hmm. Yes, Maharashtra is where it has entered in India. Right. But if you see that, for us, the overall... what do they call that? That you have the antibodies in your system. Yeah. Our by nature, the Indians, because we never used to drink Whistler water as a child, right? Only now it has become the fashion, right? I think Indians' natural immunity is quite high. Yeah. And this thing will turn out to be like another severe common cold or flu, influenza. Mm-hmm. Right. So I don't think that, and we have already achieved something like 89-90% of single dose vaccination and about 50% of double dose. And if the current trend of vaccination continues, by March, we should have covered 100% of the adult population in vaccination terms. So the old variants, whatever alpha, gamma, delta, gilta, all those will not have any effect. Omicron may come in, it may spread a lot. But I think we are not of the type to again do another lockdown. You saw, even in the second wave, the lockdown was much severe compared to the first wave. So
India, the government is takes a balanced view of health versus economy. Yeah. Okay, so I don't believe that another lockdown will come. Yeah. Yes, it will be something that means that people may take leave from 2 weeks. They may take a leave from work because they got the variant. Yeah. But it is not going to affect the economic activity of the country very badly. So that is my understanding of this whole situation. Great. So coming to the entire foray of allotment, the bouquet of Sundaram Mutual Fund, and we have a lot many products. Our JM is basically the again mid cap Sundaram mid cap. Usko dekh dekh ke humne sikar mutual fund bechna honestly. So now the world is shifting towards the electric. The world is shifting to the ESG. So I request you ki aap apne views ESG ke baare mein thoda. Main do questions ko actually interlink kar raha hu abhi. ESG and the electric mobility revolution in the India. So your view on how actually this both the things will go to hand on hand, and what are the opportunities which is available into this entire segment? So I think that if you look at it, basically electric mobility is a part of the auto field, right? Yeah. And auto field in India, you can clearly divide it into multiple segments, right? Yes. So one is commercial vehicle. Yes. Second is cars, right? Which yeah. is personal mobility, right? Yeah. Then two-wheelers, which is also personal mobility. Yeah. And then you have the segments like tractors, which is related to agriculture. Yeah. Then you have the segment. And then apart from this, one of the biggest things for the Indian auto industry is the auto component industry. Yes. Because we make parts and that has got a lot of export potential. Yeah. So the electric mobility, right? Wherever the... So ESG, right, is still a fad. Yeah. So if you look at the component, let us say 5-star rated ACs versus 3-star rated ACs, look at the sales number, right? Because 5-star is costlier. Only those who are really conscious about the economy, about the ecology and the sensitivity are actually going to pay that extra money for that. Yeah. Right? Now, so this extra cost of ecology, the super rich and the upper middle class will pay it. Yeah. But for the armed janta, unless the government comes and subsidizes that cost, they will not use it. Ultimately, you've seen that ad, no? Maruti wala ad. Kitna deta hai? Jahaj le lo, airplane le lo, kitna deta hai? So for this, so petrol prices, right? When they touched 100, were threatening to go, people were suddenly interested. Ola Electric, one day away, they sold 1 year's booking, correct? But if petrol price, oil price comes down back to 70, the economics. So my point is, government is very serious about this. Gadkari Saab has laid down that goal, ki 2030 ke andar we have to move. But it will affect only the personal mobility segment. Okay. Because if you take a truck, a truck cannot run on electric. It has to have the power, the speed to cross from one state to another, quickly go. So I would say it will have an impact in specific segments. The opportunity for India, especially if you consider the economy and the stock market, will be from auto components manufactured for electric mobility. Because I expect the world to shift to electric mobility much faster than India in that sense. Right? Yeah. So I think auto components, which companies come up to set up the specific parts needed, like battery. Battery is a big part of electric mobility. Right. So battery manufacturers who make these new lithium ion batteries, right? They will have a good future. So definitely there will be pockets. Is that today in the listed space, you don't have much of car play. Ek Maruti hai, Suzuki. Yes. Or a Tata, which is not increasing market share, Mahindra ka thoda bahut hai. Yes. Otherwise, Toyota, Honda, BMW, Mercedes, they are not reflected in Indian stock market. Yes. So from a stock market perspective, I would say the opportunities are not as wide. But the components industry, because they are supplying to these Teslas and the majors, is where I see the opportunity in the auto-related electric mobility. Right. But when the government takes a big call to give a lot of subsidy, then the capital cost may, if you get subsidy, right, then your running cost of electric is far cheaper. They say for electric car also, it's only 1 rupee per kilometer. Okay. Then what you will see the transportation, you know, in the rural area,
still a Hero Honda CD100 is used for transportation. A Bajaj MAT is still used by the Dudwalas and those people. So for them, the petrol cost is an important part of their life. Yes. So if the government can give a big subsidy on the capital cost, then I see two-wheelers, electric vehicles really shooting up, because for the people, for whom it is kam danda, for whom every rupee is money, there it will make a big difference. So I think a lot depends on how much the government is having an initiative. And there, one important thing for India is the other countries have already used their natural resources like coal and oil, and now we're talking gyan about zero. India, we have huge coal reserves which are yet to be exploited. So you know, you cannot leave it, and we have to use that. So we will have a blended approach. We will not fully go behind solar energy, hydrogen. We will have coal-based industries also parallelly with this. So I think we'll see a balanced approach. I don't think that an ESG today is a nice new mantra, but an ITC stock got hammered because of that mantra, because they are cigarette. But the point is that it is, end of the day, it's a good company, right? So I would say that it's a balance. It should be a part of the portfolio. But don't depend on ESG itself as the only wealth multi-bagger which will give you that. It will have its place. And each industry will go through specific. Achha, the other thing on this whole ESG business, many companies which are not compliant with the ESG norms, they go and buy the ESG coupon to offset. Sabhi ka ek daam hota hai. So carbon credit khareed lete hai. So, you know, he says, मैं pollution करता रहूंगा और मैं अपना 1,000 रुपए में carbon credit कर। तो वो क्या है? किसको fool कर रहे हैं आप? Ultimately, it's a zero sum game, ना? तो I think that the way forward, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जरूर it will be important. The stock market today is looking at that promise and is overbidding that. Yeah. I believe उसके बाद थोड़े दिन के बाद एक reality आएगा उसमें. Right, and not every ESG kind of a thing will do well, but some of them will do very well. The classic case is Tesla. Yeah, value today is much more than all the automobile industry put together. Yes, right. So I think that for a rich country, ESG is much easier adopted because people have well to do, they can afford the capital cost and look at the running cost savings. But for India, it's a balance. We are still a poor country. We're still a developing country. We can't simply throw away all of that. So I think we'll have a very balanced approach towards the thing. And stock market opportunities will be specifically localized in certain segments. So, and you asked me a question about international sometimes. Yes, yes. I believe ESG has more value as an international stock pick than as a domestic stock. Oh, great. Amazing. Because that's where this thing is happening at a much faster pace. Yes, so great. Sir, एक important question again, कि आपका your call on a sector specific at this point of time, value कहाँ, कौन से sector में आपको नजर आती है and why? देखिए, मेरे को सबसे ज्यादा वैल्यू मेरे को दो सेक्टर में दिखती है. एक है मैं कहूंगा कि इंडस्ट्रियल सेगमेंट. इंडस्ट्रियल में मैं कह रहा हूँ कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, बिकॉज मेरे को क्या कि अगले 5 साल में इट इज अ टाइम फॉर कैपेक्स. तीन जगह से ये कैपेक्स का इम्पेटस आएगा. एक गवर्नमेंट का अपना 111 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम, दूसरा ये पीएलआई स्कीम के कारण जो एफडीआई आके यहाँ पे कारखाना लगेगा, तो फॉरेनर जो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग बेस के री एक्सपोर्टिंग टू द वर्ल्ड, और तीसरा होगा प्राइवेट कैपेक्स जो कि थोड़ा डिलेड स्टार्ट होगा क्योंकि ये कारखाने लगाने के बाद, लोगों को नौकरी मिलने के बाद, वहां के उनकी जो कंजम्पशन के लिए जो डिमांड आएगा उसको करंट कैपेसिटी व्हेन इट बिकम्स फुल, तो लोकल प्राइवेट सेक्टर विल हैव टू एक्सपेंड कैपेसिटी. तो ये 3-stage साइकिल में देख रहा हूँ जो है, तो इसके लिए मेरे को एक सस्टेनेबल साइकिल दिख रहा है. तो ये तो मैं इस इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर मैं इंक्लूड करूंगा नॉर्मल कैपिटल गुड्स, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, सीमेंट, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल, ये सबको मैं इस बास्केट के अंदर लगाऊंगा. बिकॉज एक एक घर, तो सेकंड थीम विच आई सी कमिंग अप इज हाउसिंग, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट. मेरे को अभी बिकॉज ये रेरा वाज अ पेन, बट टुडे इट हैज मेड द इंडस्ट्री मच मोर क्लीन. सेकंड इज गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रहेगा बिकॉज ये बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है. और अगर मोदी जी को नेक्स्ट इलेक्शन जीतना है तो एम्प्लॉयमेंट के
एरिया में उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अभी और 1.5-2 साल में एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट वो प्रॉमिस आना चाहिए। तो रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है। और तीसरी चीज है कि हाउसिंग, इसलिए उन्होंने वो हाउसिंग फॉर ऑल का मुद्दा उठाया। आप सोच लीजिए कि उसको सीमेंट की जरूरत होती है, स्टील की जरूरत होती है, फिर आपको पेंट की जरूरत होती है, फिर पीवीसी पाइप की जरूरत होती है, फिर इलेक्ट्रिकल एल्यूमिनियम और कॉपर वायरिंग की जरूरत होती है, फिर टाइल्स की जरूरत होती है, फिर वुड वर्क फॉर डोर्स की जरूरत होती है। तो घर हाउसिंग का इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के पीछे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। और हाउसिंग के लिए आज स्थिति इतना एक सभी मिलके एक कॉमन ये हो गया है कि एक तरफ HNI और सुपर HNI आज कोविड के कारण क्या कर रहे हैं, सब अपना दूसरा घर आउटस्कर्ट्स में बनाने की वो एक चीज है। सेकंड चीज है कि आधार हाउसिंग में गवर्नमेंट ने जो रिलैक्सेशन दिया है तो बहुत से लोग जो रेंटल पे है वो अभी लोअर मिडिल क्लास में वो एक बूस्टर है। तो तीसरी चीज यह है कि नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए भी आज अगर आप गणित करें कि आपको 6.5% में हाउसिंग लोन मिल रहा है, ठीक है, अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हो तो आपको 2 लाख तक आपको इंटरेस्ट रेट में टैक्स मिलता है, तो 6-6.5 में से आप 30% टैक्स निकालो तो 2% कटौती, तो 4.5 पे इफेक्टिवली आपको लोन मिल रहा है। उसके ऊपर आपका ATC कैपिटल वो वाला बेनिफिट छोड़ दीजिए, तो 4.5 पे आपको लोन मिल रहा है। और रेंटल यील्ड आपको एटलीस्ट 1.5-2% नागपुर जैसे जगह में आपको 2.5-3% भी मिल सकता है, मिल सकता है। तो फासला जो है, तो गैप जो है बिटवीन पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द EMI एंड योर रेंटल यील्ड, इफ यू आर विलिंग टू पुट 2-3% फ्रॉम योर तनखा टुवर्ड्स, तो सेकेंड हाउस थर्ड हाउस हैज बिकम अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट। तो आई एक्सपेक्ट द हाउसिंग एक स्वीट स्पॉट में है। और बैंक्स 6.5% में क्यों दे पा रहे हैं, क्योंकि RBI उनके कान आंख मुंह जहां पे भी सभी जगह से उसको पैसा भरा रही है, क्योंकि तो ये RBI का जो लिक्विडिटी प्लस इंटरेस्ट रेट का जो सपोर्ट है। तो बैंक्स के लिए आज बैंक स्मार्टली क्या कर रहे हैं, इसको फायदा उठा के, क्योंकि RBI ने शॉर्ट टर्म रेट्स को कम किया, आज लॉन्ग टर्म लोन्स बैंक ले रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से 2-3% में, 10 साल का लोन, सो दे आर एबल टू फाइनेंस दिस। तो कल अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो फ्रेश हाउसिंग लोन में रेट बढ़ाएंगे, पर पुराने हाउसिंग लोन पे उनका मार्जिन कायम रहेगा। तो मेरे को ये ओवरऑल ये इंडस्ट्रियल सेगमेंट के साथ, इसलिए मेरे को बैंकिंग सेगमेंट भी बहुत बढ़िया लगता है सेक्टरली, क्योंकि बैंक के लिए, क्योंकि पिछले 3-4 साल अच्छे नहीं रहे, दिसंबर 17 से इकोनॉमी स्लोडाउन में था तो क्रेडिट का रेशियो गिर गया, फिर कोविड में आके NPA आ गया, मॉरेटोरियम आ गया, बट नाउ लुकिंग फॉरवर्ड बैंक्स के लिए अभी उन्होंने अपना बुक्स को क्लीन अप कर दिया, अभी क्लीन बैलेंस शीट है, कई लोगों ने अपना QIP करा के अपना कैपिटल को अच्छी तरह बढ़ा दिया है, और फिर मर्जर्स भी हुए जैसे स्टेट बैंक के, तो वो साइज भी बढ़ा दिया, तो रेबिट एक्सिस स्पॉट में है। क्या है उसमें कि आप ब्लाइंडली सभी बैंक को नहीं चुन सकते, जिसका गुड कैपिटल एडिक्युसी है, जिसका गुड ओनरशिप है, जिनका कासा बैलेंस अच्छा है, जिनका ब्रांच नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो बैंकिंग सेगमेंट में मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी सेक्टरली दिखता है, राइट। एंड थर्ड सेक्टर बिहाइंड दैट, उसको थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि आज वैल्यूएशंस थोड़े बढ़ गए हैं उसमें, वो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जिसको कहते हैं, यानी उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी आते हैं जैसे AC रेफ्रिजरेटर, बट हाउसिंग को भी उधर मानता हूं मैं, और ऑटो को भी उधर मानता हूं। आज ऑटो थोड़ी दिक्कत में है बिकॉज सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज के कारण, कई मॉडर्न जिसमें सप्लाई शॉर्टेज है, मगर बट समझिए कि 1.5-2 साल में वो सब ठीक हो जाएगा ना, तो ऑटो का डिमांड भी बढ़ेगा। तो तीसरा सेगमेंट मेरे को कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी भी अच्छा लग रहा है। और मैंने कहा था कि इंटरनेशनल फंड्स इज अ गुड पिक, एक दूसरा वे टू पे इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरनेशनल में पोटेंशियल है, इज IT सेक्टर। तो इधर आप इंटरनेशनल फंड्स में निवेश कर सकते, नहीं तो IT सेक्टर इज अ गुड प्ले ऑन इंटरनेशनल, बिकॉज़ सभी IT कंपनीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, और दे वेयरएवर द इकोनॉमी इज गोइंग वहीं पे भी IT का बिजनेस मिलता है। तो IT सेक्टर एक इंटरनेशनल प्ले, और करेंसी का इफेक्ट उसको ऑटोमेटिक आ जाता है, तो IT इज अ गुड, इंटरनेशनल के लिए IT एक अलग गुड प्ले है। तो ये सेक्टर्स मेरे ख्याल में आउट परफॉर्मर्स होंगे। सो सर, इट वाज अमेजिंग, मतलब टाइम आपके साथ रहा है, मतलब आपने हर एक क्वेश्चन पे इतने शानदार तरीके से, मतलब आपने इकोनॉमी के बारे में बताया, अपने मार्केट के बारे में बताया, अपने इन्वेस्टमेंट के दोनों पहलुओं के बारे में बताया, EMI को पूरा कनेक्ट किया।
अपने पीपीएफ का पैसा या रूरल का पैसा आएगा तो इंडिया उसको कैसे ऑब्जर्व कर सकता है, एब्सॉर्ब कर सकता है, कितने कंफर्टेबली वो एब्सॉर्ब करेगा, इसको इसके बारे में आपने मतलब काफी डिटेल में बताया। आपने इवन फाइनेंशियल फ्रीडम यूथ कैसे डीआईवाई जितने इन्वेस्टर है वो कैसे करेंगे वो क्लैरिटी के बारे में बात करी। आपने इवन ओमिक्रॉन के बारे में बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस दिए एंड इवन ईएसजी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सेक्टर स्पेसिफिक आपने जो बात करी। आई एम श्योर दैट लास्ट पिछले तीन चार बार से मैंने जितने इंटरव्यूज करे हैं इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लैरिटी व्हाट एज यूजुअल सुनील सर का स्टाइल जो है वो उसमें पूरी तरह आया एंड आई एम श्योर दैट एवरी सिंगल व्यूअर हु इज गोइंग टू कम अक्रॉस विद दिस इंटरव्यू विल गोइंग टू बी गेट बेनिफिटेड अमेजिंगली from you. So once again, millions of thanks for coming here and sparing your time. I know that your every single minute is important, but you still spare the time for me. Thank you very much. Thank you. Thank you. And wishing all your Niveshak a very happy new year. Yes, and do stay safe through this whole COVID phase. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you.